चेन्नई में आयोजित हुई 14 से 18 सितंबर तक राष्ट्रीय डेडलिफ्टिंग प्रतियोगिता में भिलाई के भार उत्तोलक दिलावर सिंह एवं हिमांशु दास ने क्रमशः 110 किलो एवं 95 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है और अपने शहर और प्रदेश सहित देश का नाम रोशन किया है। भिलाई के भारोत्तोलक दिलावर सिंह और हिमांशु दास ने फिर एक बार अपना और अपने प्रशिक्षक सहित अपने शहर भिलाई और प्रदेश छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। यह दोनों ही खिलाड़ी ओपन नेशनल डेडलिफ्ट टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए अपनी छत्तीसगढ़ की टीम के साथ चेन्नई पहुंचे थे और इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने अपने वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल कर इतिहास रच दिया है। इनके भिलाई आगमन पर सर्वप्रथम ये अपने गुरु का शुक्रिया अदा करने सुपेला स्थित गुरुद्वारा शहीदा पहुंचे, जहां इनका जोरदार स्वागत फूल मालाओं के साथ किया गया और मुंह मीठा कराकर इनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग के द्वारा दोनों ही खिलाड़ियों का स्वागत सम्मान सिख समाज के सर्वोच्च सम्मान शिरोपा देकर किया गया। गुरुद्वारे में अरदास भी की गई और खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। इन खिलाड़ियों के साथ इनके प्रशिक्षक का भी स्वागत सम्मान शिरोपा देकर किया गया। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के चेयरमैन जसबीर सिंह चहल, वाइस चेयरमैन पलविंदर सिंह रंधावा और महासचिव गुरनाम सिंह कुक्का ने शासन प्रशासन को अपनी तरफ से इन दोनों होनहार खिलाड़ियों के लिए एक एक सरकारी नौकरी और इनके खेल को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद प्रदान करने के लिए पहल की जाएगी। जैसे कि आपको मालूम है कि चेन्नई में पिछले 16 तारीख से 18 तारीख तक जो डेडलिफ्ट की जो चैंपियनशिप चली थी और जिसमें पूरे भारत के प्रतिस्पर्धियों ने जो है भाग लिया था और उसमें भिलाई की तरफ से हमारे दिलावर सिंह और प्रियांशु जी ने जो गोल्ड मेडल जीता है और एक बहुत ही खुशी की बात है हमारे कौम के लिए, हमारे देश के लिए और जो हमारे जो प्रति और भी जो हमारे युवा हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बने हैं कि इन्हें देखकर वो भी आगे बढ़ेंगे और बड़ी खुशी हुई है इन्हें देखकर और यहाँ पर आज इन्हें बुलाकर जो है छत्तीसगढ़ सिख पंचायत की तरफ से इन्हें सम्मानित किया गया है। और सबसे बड़ी जो चीज़ इसमें देखी गई है इसमें ये देखो इन्होंने जो वहाँ पर गए हैं और अपने निजी खर्चे से गए हैं और मैं आज आपके थ्रू और इस मंच से मैं ये बात बोलूँगा कि कम से कम ऐसे होनहार जो प्रतिस्पर्धी हैं, जो युवा हैं, जो आगे आना चाहते हैं उनके लिए कम से कम जो है उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि वो इस खेल को आगे और अच्छे से लेके चले। नहीं, हम तो अपील गवर्नमेंट से करते हैं कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं इनको सरकारी नौकरी दिया जाएगा तो और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो देश कौम का नाम ऊंचा करेंगे। ये हम गवर्नमेंट से और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से दोनों से अपील करते हैं छत्तीसगढ़ सिख पंचायत की तरफ से कि ये इनको नौकरी सरकारी नौकरी के लिए चांस दिया जाए। आज जो हमारे को बहुत खुशी है जो हमारे बच्चे दिलावर सिंह और प्रियंशु जो चेन्नई में जो चंद्रा था वेट डेडलिफ्ट उसमें गोल्ड मेडल लाया और हम उनके और उनके परिवार को उनके जो गुरु है जिसने जो सिखाए उनको सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और ऐसे ही एक कौम का नाम ऊपर करते रहें और देश का नाम ऊपर करते रहें। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। आज बड़ी खुशी की गल है कि साढ़े दो बच्चे नैशनल लेवल पर गोल्ड लेवल लेके आए हैं। इन्होंने मैं बहुत बहुत बधाई दिना, नाल ही इन्होंने कोच है धर्मवीर जिन्होंने इन बहुत अच्छे तरीके स्टडी कराई है, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिता। नाल ही मैं इन्होंने पालकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्हें जो इन्होंने संयोग के नाल कि बच्चे चेन्नई बच्चे गोल्ड मेडल लेके आए हैं। तो मैं छत्तीसगढ़ सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि इन बच्चों के लिए उनके भरण पोषण के लिए कुछ व्यवस्था की जाए और नौकरियों में भी व्यवस्था की जाए। वहीं गोल्ड मेडल जीतकर आए खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए उनके प्रशिक्षक ने उनकी काफी अच्छी तैयारियां करवाई थी, परंतु अब तक शासन प्रशासन की तरफ से इन्हें किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है जिससे ये राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए पूरा खर्च उन्हें ही उठाना पड़ता है जिससे इन्हें और इनके पालकों को काफी आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। 14 से 18 सितंबर और इसमें छत्तीसगढ़ के पूरी टीम गई थी लेकिन छत्तीसगढ़ में 12 गोल्ड मेडल आए हैं जिसमें भिलाई में सिर्फ 2 मेडल आए हैं दिलावर सिंह और प्रियांशु दास के। इसमें दिलावर सिंह मैं इस गेम के लिए सर मैंने टीम में से प्रैक्टिस कर रहे थे हम टीम में से लगातार प्रैक्टिस चल रही थी हमारी इसमें फायदा है सर। गवर्नमेंट के पास एक
अपील है कि हमें, हम इतने अपने पूरे खर्चे में जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ दिया जाए, कम से कम खर्च हमारे जाने का खर्चा दे दिया जाए, कुछ कुछ करिए करा जाए हमारे। सर मेरा अभी 20+ मैंने खेल चुके हैं स्टेट, और अभी मेरे पास तीन नेशनल के गोल्ड मेडल हैं और एक स्ट्रेंथ लिफ्ट में ब्रॉन्ज मेडल है। आगे मैं इसी गेम को आगे बढ़ाना चाहूँगा, इसी में मैं इंटरनेशनल ओलंपिक जो भी है वो उसमें खेलना चाहूँगा मैं। इस बार का गेम बहुत अच्छा था, इस बार के गेम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, इस बार में लोग 2.5 किलो 5 किलो से कर रहे थे, तो इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय तो गर्मबाजी को जाता है, क्योंकि उनके कोचिंग के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। जितना हमारा मैक्स था पिछले बार, पिछले 3 महीने से हम प्रैक्टिस कर रहे थे इस गेम के लिए, उस मैक्स को हमने 5 किलो 8 किलो से ज़्यादा हम लोगों ने तोड़ा है, तो सबसे बड़ा श्रेय तो धर्मबाजी को जाता है, क्योंकि उनके कोचिंग के बिना हो ही नहीं पाता ये सब। और दूसरा, इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। उधर कमी तो सर ऐसा है, हर चीज़ में कमी है, सरकार कभी कोई चीज़ दी नहीं हम लोग को, आने जाने का खर्चा, डाइट, कुछ नहीं मिलता सरकार से। हमने नेशनल खेला है, भैया इंटरनेशनल खेल चुके हैं, 2 बार भैया का मेडल है, गोल्ड मेडल है इंटरनेशनल में, फिर भी उनको हर बार रोका गया। जो उनके बाद उनके जूनियर है, जो शायद उतना लेवल पे मारे भी नहीं आज तक, उतना वजन उठा भी नहीं सकते, वो लोग पैरालंपिक से हैं खेलने, लेकिन जहाँ भैया को जाना था वहाँ उनको जाने नहीं दिए। और दूसरा, कभी कभी ऐसे कॉम्पिटिशन भी आते हैं जिससे पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, एंट्री फीस ही 12,000-15,000 होती है, तो उसमें पीछे होना पड़ जाता है हम लोग को। और उसके बाद जब उसकी वीडियो देखते हैं तो सामने वाला हमारे लेवल को इतने से इतना भी टच नहीं कर पाया, तो बहुत दुख है। सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि एक सरकारी नौकरी दी जाए, हमारे गेम को मान्यता दी जाए। पहले तो छत्तीसगढ़ में 4 से 5 कई बार देखा जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने वाले खिलाड़ी भी बिखर जाते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन की उदासीनता और ऐसे प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए लगने वाले खर्च खिलाड़ी वहन नहीं कर पाते हैं और उनका कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। इन दोनों खिलाड़ियों ने इसके पूर्व भी कई बार अपने प्रदेश और देश के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे ये खिलाड़ी चिंता मुक्त होकर अपने देश का नाम रोशन कर सके और विश्व पटल पर भारत का तिरंगा लहरा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।